truthful? No. So I would say that everything is not beautiful, but beauty is must in each and every thing. ये जो कहावत है, ये सोचते होंगे आप कि मैं ये क्यों कह रही हूँ? उसी के पीछे पीछे आपको मैं और एक शेर सुनाना चाहती हूँ, जो बहुत खूबसूरत है। एक शायर ने कहा है किसी माशूका से, लड़की से, अब हम समझे तुम्हारे चेहरे पे तिल का मतलब, अब हम समझे तुम्हारे चेहरे पे तिल का मतलब, हुस्न की दौलत पे दरबान बिठा रखा है। शायर क्या लिखता है, अब हम समझे तेरे चेहरे पे तिल का मतलब, हुस्न की दौलत पे दरबान बिठा रखा। आज मेरा विषय है आपके लिए कि हम क्यों सुंदर दिखना चाहते हैं। ऊपर वाले ने पहले ही हमें इतनी कारीगरी से बनाया है कि सारे कहो तो मेल्स सब लड़कियों को यही कहते हैं, कैसी भी दिखती हो आप बहुत खूबसूरत लगती हो, आपके ऊपर ये कलर बहुत जचता है। लेकिन सिर्फ इतनी तारीफ से हम खुश हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हमें और क्या करना जरूरी है? या तो मैं पूछूंगी कि हम और किस किस प्रकार सजते और संवरते हैं। हम मेकअप भी करते हैं, हम ज्वेलरी पहनते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टाइलिस्ट भी दिखे, है कि नहीं? तो आज मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि हम फैंसी पर्ल ज्वेलरी कैसे बनाएं। सभी के लिए यह कार्य मुमकिन नहीं है। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये शौक क्यों और कैसे पैदा हुआ। मेरा हमेशा ये इंटरेस्ट रहता था कि मैं हर कपड़े के हिसाब से ज्वेलरी पहनूं। लेकिन हर कपड़े के हिसाब से यदि हम मार्केट से ज्वेलरी खरीदते हैं तो इट इज टू एक्सपेंसिव, ऑल्सो इट्स नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, यू हैव टू गो सो मेनी प्लेसेस, इफ एट ऑल इट इज अवेलेबल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कहीं कहीं अपने बजट में बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। यदि आप समझ लो कि आपके पास गोल्डन ज्वेलरी है पर एक ही टाइप का सेट आप कितनी जगह कितनी बार पहनोगे, और सच कहूं गोल्ड से ज्यादा तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही बहुत सुंदर लगती है। यहां पर मैं आपसे और एक बात कहना चाहूंगी। दिलीप कुमार ने कैसे कहा है, मैं एक थोड़ा सा पानी पी लूंगी। वैजयंती माला को अपने एक बहुत खूबसूरत पुराना और वेल नोन सॉन्ग के लिए, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं। तो हम भी चाहते हैं वन मोर सेकंड कि लोग
हमारी भी तारीफ करें। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, आई थॉट ऑफ राइटिंग फ्यू वर्ड्स अबाउट यू, आई थॉट ऑफ राइटिंग फ्यू वर्ड्स अबाउट यू, बट व्हेन आई कंप्लीटेड इट वॉज अ बिग बुक। तो हम सभी औरतें चाहते हैं कि इस प्रकार की हमारी तारीफ होती ही रहे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने ज्वेलरी इसी वजह से बनाना धीरे धीरे सीखा, क्योंकि यह मेरी चाहत थी कि मैं रोज नई नई ज्वेलरी पहनूं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरी बनाई हुई ज्वेलरी कैसी दिखती है। ये देख लीजिए, ये हमने अपने ऊपर इसको सजाया, इसके इयररिंग्स भी हमने बहुत अच्छी पैटर्न वाले बनाए हैं। इसी प्रकार हमने एक और सेट बनाया है जो आपको शायद काफी पसंद आएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है, और क्रीम कलर की ज्वेलरी जितनी भी हो कम पड़ती है, क्योंकि इस कलर की ज्वेलरी सभी कपड़ों पर सूट करती है। इसके साथ जो हमने इयररिंग बनाए हैं उसे आप देख सकते हैं, उसी प्रकार हमने कुछ छोटे छोटे भी ज्वेलरी बनाए हैं। ये सारे फैंसी पर्ल ज्वेलरी है। ये देखिए, ये हमने तार में बनाए हैं। पहले मैंने जो आपको दिखाए वो धागे में बने हैं। ये तार में बनाने से वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसलिए हमें थ्रेड में बनाए हुए ज्वेलरी ज्यादा पसंद है। इसके इयररिंग्स देखिए, अभी कुछ डेली वेयर के लिए हमें चाहिए ऐसे छुटपुट ज्वेलरी, जिसे हम जस्ट कैजुअली भी डाल सकते हैं और फिर भी वो ड्रेस का गेटअप बढ़ जाता है। कहीं कहीं जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो लोग अपने मंगलसूत्र को कभी भूल नहीं सकते, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ काले रंग के ज्वेलरी भी बनाए हैं और उसके साथ ये इयररिंग्स भी। देख लीजिए हमारी ज्वेलरी की पैटर्न। ये चीजें बताने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन से हथियार का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये जो हथियार है उससे हम तार की कटिंग कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखाती हूँ। हमारे पास ये जो तार है, इस प्रकार का तार जिसका उपयोग हम बहुत बार इयररिंग्स और मालाएं बनाने में करते हैं, तो उसका कटिंग हम इस हथियार से करते हैं। ये देखिए, और ये जो दूसरा हथियार है उससे तार को हम बैंड करते हैं, जहां
हमें जोर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर इसका उपयोग करके हम लोग इसे रोल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कौन से थ्रेड का उपयोग करते हैं। ये एक कोबलर थ्रेड है जिसका उपयोग सिर्फ चप्पल और जूते सीने के लिए किया जाता है। अब कितना भी उसको तोड़ो, आदमी लोगों को देके देखो, कोई नहीं तोड़ सकता। ये देखिए, टूटता है नहीं। अभी एक लास्ट ज्वेलरी मैं आपको बताऊंगी, जो मेरी बहुत फेवरेट ज्वेलरी बनी है। मुझे ये ज्वेलरी रॉयल ज्वेलरी लगती है, इसे मैं आपको इसी ज्वेलरी पे पहन के दिखाऊंगी। कैसी लगी? बहुत प्यारी है ना। और उसके साथ मैंने जो झुमके बनाए वो भी उतने ही खूबसूरत है। इन झुमकों को भी मैंने थ्रेड से बनाया और ये भी थ्रेड से बनाया। ये सारी चीजें आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आज मैं आपको यही ज्वेलरी, यही नेकलेस किस प्रकार हम इजीली बना सकते हैं वो दिखाऊंगी, ताकि उसे आप भी बना सके। तो सबसे पहले आपको एक लंबा थ्रेड लेना है, उसको इस ग्लू से एकदम पतला, आगे से उसका मुंह पतला कर लेना है, और उसके अंदर ये मोती पिरोने हैं। ये देखिए, मोती पिरोए जा रहे हैं। समझे आप? ऐसी मैंने उसमें 7 लाइन ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 लाइन है, और बीच में एक डायमंड रिंग है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप थ्रेड में पिरो पिरो के जितनी लेंथ चाहिए उतनी 7 लाइन बना लीजिए, और ये जो डायमंड रिंग है वो इस प्रकार की है। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार है जो आपको मार्केट में मिल सकती है। उसके साथ साथ ये हुक भी है जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं। और कान के इयररिंग बनाने के लिए आपको एक लाइन में कितने मोती चाहिए वो आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 मोती है, और वो 8 मोती मतलब कि 4 मोती के बाद एक डायमंड रिंग है। तो इसी प्रकार समझो, यदि आपको अभी इयररिंग बनाना है तो उसी प्रकार ये हमने 4 मोती पिरो लिए, उसके बीच एक डायमंड रिंग भी डाल दिया, और बाद में वापस 4 मोती हमने पिरो दिए, तो ये एक लाइन हो गई। वैसे आप 3 से 4 लाइन बना के एक साथ जोड़ लीजिए, और जोड़ के इस हुक में बंद कर दीजिए। ये जो कान के अंदर डालने के लिए कड़ी है, आप देखिए, इसे बहुत सारी है जिसका इस्तेमाल आप कान के इयररिंग बनाने में कर सकते हैं। तो दोस्तों,
प्रकार आप अपने लिए किसी भी टाइप के मोतियों की ज्वेलरी बना सकते हैं। तो अंत में मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो अपनी ज्वेलरी खुद बनाइए, अपने टेस्ट की बनाइए। और इस वीडियो को देखकर यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे खास देखिए बेलजो टीवी पर, जिसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि डाउनलोड ना हो पाए तो गूगल पे जाके belzo.tv लिख सकते हैं और मेरा यह वीडियो इजीली देख सकते हैं। पर जाने से पहले मैं आपको एक ही शेर सुनाना चाहती हूँ कि एक प्रेमी ने अपने प्रेमी से अंत में कहा, तेरी तस्वीर बनाकर आसमां पे टांग के आया हूँ। उसकी खूबसूरती इतनी पसंद आई, तेरी तस्वीर बना के आसमां पे टांग के आया हूँ। लोग पूछते हैं, आज चांद इतना बेदाग क्यों है?